हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्ष मोटो वर्ल्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सेस 125 में हैज़ार्ड लाइट्स इंस्टॉल करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम हेडलाइट असेंबली खोलेंगे और उसे खोलने के लिए ये वाला स्क्रू, ये नीचे ये वाला स्क्रू और इसके जस्ट राइट साइड में ये वाला स्क्रू खोलना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, हमें फेयरिंग खोलने के लिए ये वाला स्क्रू खोलना पड़ेगा और लेफ्ट साइड में ये वाला स्क्रू भी खोलना पड़ेगा। तो हम इसे खोल लेते हैं और फिर हम आपसे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट वाली जो नंबर प्लेट वाली फेयरिंग होती है उसे खोल लिया है और इसे आप किसी सेफ़ प्लेस पर रख दें ताकि इसका मतलब टूट फूट ना जाइए। तो आप इसे सेफ प्लेस पर रख दें और अब हम हेडलाइट असेंबली खोलेंगे। तो हेडलाइट खोलने के लिए हमें मिरर्स भी रिमूव करने पड़ेंगे। तो ये वाला मिरर हमने रिमूव कर लिया है और इसे भी सेफ प्लेस पर रख दें। इसी तरह से हम लेफ्ट साइड वाला मिरर भी लूज़ करेंगे। ये देखिए, तो इसे लूज़ करके हम लोग साइड में रख देंगे। और अब हम हेडलाइट खोलेंगे। तो फ्रेंड्स, हेडलाइट खोलने के लिए उन चार स्क्रूज़ के अलावा आपको ये वाला स्क्रू भी खोलना पड़ेगा। तो ये वाला स्क्रू खोलने के बाद में आपकी हेडलाइट इजीली खुल जाएगी। तो इसे खोलने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसे जेंटली पुल करना है। तो हल्का सा ज़ोर लगाना है, हल्का सा एकदम, नहीं तो टूट भी सकती है। तो हमने इसे खोल लिया है और हमें इसका हेडलाइट वाला वायर हटाना पड़ेगा और इसे सेफ प्लेस पर रख देना है। तो अब हमें इसकी हैज़ार्ड लाइट वाली वायरिंग करनी है। तो वायरिंग करने के लिए हमें इंडिकेटर वाले सॉकेट को हटाना पड़ेगा। ब्लू कलर का सॉकेट होता है, उसे हटाना पड़ेगा। पहले ये डस्ट कवर हटा लीजिए, उसके बाद में इंडिकेटर वाला सॉकेट, ये देखिए ये वाला ब्लू कलर का, इसे आप हटा लीजिए। ये ऊपर की साइड में इंडिकेटर और जस्ट साइड में ब्लू कलर का सॉकेट। तो इसे हटाने के बाद हमें एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने हेडलाइट वाला स्विच यूज़ में लिया है, आप कोई सा भी स्विच यूज़ में ले सकते हैं। आप उसे कहीं पे भी माउंट करने के बाद में अब मैं आपको आगे की वायरिंग बताता हूँ। तो मेरे वाले स्विच में ये देखिए वायरिंग वहाँ से जाते हुए इस जगह पर आते हुए यहाँ पर डायरेक्ट आ रही है और ये जो वायर्स है इसके तीन, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक तो ग्रीन और एक ब्लैक। तो ये दोनों राइट और लेफ्ट साइड के इंडिकेटर वाले हैं और जो ब्लू वाला है वो ग्राउंड है। तो हमें क्या करना है, जो स्विच वाली वायर है उसे हमें ग्रीन में और ब्लैक में लगा देना है और उसके बाद में हमें इस सॉकेट को इंडिकेटर वाले स्विच में लगा देना है। तो उससे क्या होगा, हमारी वायर भी कट नहीं होगी, हमारी वारंटी भी रहेगी गाड़ी की और हमारा हैज़ार्ड लाइट स्विच भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम इस सॉकेट को उस स्विच में लगा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, वैसे तो कैमरा इतनी अंदर तक नहीं जाएगा। तो हमें बड़े सेफली तरीके से इस सॉकेट को लगा देना है, ये देखिए इस तरीके से। और हमने नीचे वायरिंग भी फंसा दी है। तो ये देखिए नीचे वायरिंग फंस गई है और बिना वायर काटे हुए हमने इस पर हैज़ार्ड लाइट्स इंस्टॉल भी कर दिए। तो मैं एक बार फोकस करके आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट फिट हो चुकी है ये। और अब मैं आपको एक बार इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो अभी हम इसमें नॉर्मल इंडिकेटर जलाएंगे राइट साइड में। तो ये देखिए अभी नॉर्मल इंडिकेटर जल रहे हैं और अब मैं हेडलाइट वाला स्विच, मानी हैज़ार्ड लाइट वाला स्विच ऑन करता हूँ। तो ये देखिए हमारे हैज़ार्ड लाइट परफेक्टली इंस्टॉल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने सब कुछ पैक कर दिया है, तो मैं अब आपको इसे एक बार जला के फिर से दिखा देता हूँ। तो
अब मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इग्निशन ऑन कर दिया है मैंने, और अब मैं आपको इसमें हैज़ार्ड लाइट्स चला के दिखाता हूँ। तो ये रहा वो बटन, और ये हमारे इंडिकेटर वाला नॉर्मल बल्ब। तो अभी के लिए हम इसे बटन को बंद कर देते हैं, मैं आपको नॉर्मल इंडिकेटर जला के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये नॉर्मल हमारा इंडिकेटर, और ये हमारा हैज़ार्ड लाइट स्विच ऑन करेंगे हम लोग। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी लग रही है हमारी हैज़ार्ड लाइट, और इससे गाड़ी की लुकिंग भी अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको बताया कि एक्सेस 135 में बिना वायर कट करे हैज़ार्ड लाइट कैसे लगाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।